यूपी में भ्रष्टाचार के इत्र पर जारी है सियासी महाभारत। पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। चुनाव से पहले छापेमारी पर राजनीतिक युद्ध। दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है। यूपी में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के इत्र पर सियासी महाभारत हो रही है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक करोड़ों रुपए कैश, सोना बरामद हो चुका है, लेकिन छापों की कार्रवाई नहीं बल्कि सियासी मंचों पर चुनावी मुद्दा बन चुका है। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था यह आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से रेड की कार्रवाई पर राजनीतिक युद्ध छिड़ा है। यहाँ तक कि इस मुद्दे को यूपी में पीएम मोदी भी बुना चुके हैं तो गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है, लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया भाई, किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ के अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर। यूपी में बीजेपी ने अब तक विकास का एजेंडा सेट किया था, लेकिन अब बीजेपी के प्रचार का तरीका भी बदला है और हर चुनावी मंच पर निशाने पर हैं अखिलेश यादव। पहले ये नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाचा भी भतीजा भी और मां भारत के सभी रस्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। यूपी में बीजेपी ने चुनाव का शंखनाद विकास के कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास और उद्घाटन से किया था, तब लगा था कि चुनाव का एजेंडा विकास है। अगर अब चुनाव करीब आ रहा है तो प्रचार में वार पलटवार भी जारी है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का कीचड़ भी है। फिलहाल तो चुनावी माहौल है और इस माहौल में एक दूसरे पर नेताओं के हमले जारी हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।